अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सबके? भाई आज हम जा रहे हैं आइडियाज़ पे, आइडियाज़ 2022। ये लगा हुआ मेरा गाड़ी के पास। कल भी गया था मैं यार, कल दोस्तों के साथ होके आ गया था। आज मैं बोला वीडियो बना लेता हूँ जाके भाई, तो बस अभी वहीं पर जा रहा हूँ भाई, सीधा अंदर जाएंगे। गाड़ी का पास वास भी लगा हुआ है, मेरा कार्ड भी बना हुआ है, बस वहीं जाके मिलते हैं फिर। भाई फुल रश हुआ हुआ है यार, बहुत रश है। ये पूरा रोड जाम है आगे तक, आगे से लेफ्ट मुड़ना है। ये जो पास वाली गाड़ी ना, वहीं से जा सकती है सिर्फ, एक ही रास्ता है जाने का। और ये सब पूरा जाम हुआ हुआ है भाई, मुझे लग रहा है आधा घंटा तो मुझे सिर्फ अंदर पहुंचने में लग जाएगा। जो वो है जो कट, यहाँ से एक एंट्रेंस है, फिर उसके बाद अंदर आर्मी वाले चेकिंग करेंगे सब चीज़ की। इतना रश हुआ हुआ है यार जी, पता नहीं कितना टाइम, क्यों टाइम लगा रहे हैं इतना यार। पास चेक करें, ये कार्ड चेक करें, जो कार्ड है, और जाने दे सीधा भाई अंदर। मेरी बारी में फ़ौरन एंट्री हो गई, पता नहीं दूसरे लोग क्या कर रहे थे ऐसा। ये कार्ड है, ये पास है, ये कार्ड है, सामने रखो भाई, जाओ अंदर यार। इतनी लंबी ख्वारी, आधा घंटा लग गया तकरीबन मुझे लाइन में उधर ही यार। मैं वो पुल के नीचे से यू टर्न लेके आना है, और फिर यहाँ गेट नंबर 2 से एंट्री है। अब आगे जाके पार्किंग में लगाऊंगा भाई गाड़ी। गाड़ी लगा दी है भाई, अब चलें कि सीधा अंदर। ये टैंक्स है भाई पाकिस्तान के, ये आर्मर्ड है, आर्मर ट्रक, ये टैंक्स, वो भी सारे टैंक्स और आर्मर ट्रक हैं। ये भी टैंक है, ये सारे भाई ट्रक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के। ये इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और जैमर्स वगैरह ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं। ये देख रहे हो इसके ऊपर ये एंटीनाज बने हुए, 3 ट्रक हैं ये तो लगे हुए। और आगे जो है वो है पाकिस्तान का JS-17 थंडर, ये जो जहाज़ है वो भाई, ये जो इसमें एयरक्राफ्ट में जो ये लगती हैं बुलेट्स एमओ, और ये मिज़ाइल्स, ये रहा अपना JF-17 थंडर। अंदर जाके नहीं दिखा रहा है, मैं लाइन में लगना पड़ेगा पूरा। ये है भाई जो टैंक है भाई, ये इसका नाम है सैफुल्ला नाम है इसका। पूरी गन्स और इसमें रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब लगा हुआ है भाई। ये एक और टैंक है पाकिस्तान का, अल खालिद 1 नाम है इसका। टैंक्स वगैरह और ट्रक्स खड़े हैं। ये रडार है भाई, स्काई गार्ड रडार के नाम से ही। ये जो मिसाइल्स लॉन्च करता है ये वाला ट्रक है, ये पीछे मिसाइल्स लॉन्च करने की जो मशीन होती है, रडार ट्रक है, रडार है ये जो मिसाइल्स को रोकता है। ये वो लॉन्चर है, लॉन्चर ट्रक। इधर अब अंदर चलेंगे यार, तो गर्मी बहुत है बाहर, तो और जाएंगे भाई अंदर आते ही। मेरे ख्याल से हैदर नाम है इसका शायद। ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये वो बख्तरबंद बीच वाली, ये भी बख्तरबंद है मिलिट्री की गाड़ी है, ये सारी बुलेट प्रूफ वगैरह सब होती है। गन्स हैं भाई सारे, आगे गन्स है, गन्स के पास चलते हैं अभी, पहले यहाँ चलते हैं। इसका नाम है हमजा 6x6, इसका नाम है हमजा 6x6, बहुत बड़ा है भाई। सारी भाई स्नाइपर्स रखी हुई है, स्नाइपर्स हैं, M16 हैं, M4 हैं, गन्स लगी हुई है भाई। ये MP5 है, ये M4 है, ये M3 है, सारी गन्स लगी हुई है भाई।
कल जब मैं आया था तो और भी थी यार, अभी खाली कर दी, कुछ ही छोटा दी। ये पिस्टल है भाई, ये गोल्ड प्लेटेड है, ब्रेटा गोल्ड प्लेटेड। G3 है भाई, G3 47 वगैरह। ये बुलेट्स रखी हुई है, ये भी भाई स्नाइपर रखी हुई है, ये रॉकेट वगैरह रखे हुए हैं, सब रॉकेट्स या एमओज मिसाइल्स छोटे छोटे तरीके तरीके छोटे छोटे मिसाइल रखे हुए। ये जो चीज़ रखी हुई है सामने भाई, ये जो बॉम्ब में होती है ना, बॉम्ब के अंदर से जो फटता है जो निकलती है चीज़ें, वो ये सब चीज़ें। अनेक कंप्यूटर सिस्टम है, ड्रोन के कंट्रोलर है ड्रोन का। ये ड्रोन है भाई, ये इसके नीचे मिसाइल्स लगे हुए हैं। इस भाई पार्टिसिपेट कर रही है पूरी, ये आगे तक जितनी भी है। ये मैं दूसरे वाले में आया हूँ भाई, ये मशीन गन्स वगैरह रखी हुई है और आगे धड़ाधड़ गने लोड हो रही है, लोग चेक कर रहे हैं। मैंने कल आके चेक कर ली भाई, बहुत है ये मिसाइल रखे हुए। कल आया हूँ, मैंने सारी गने चेक करी हैं भाई, सारी गने। अरे बुलेट और बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ हैं भाई, वो वाली गाड़ी में जो कल खड़ी हुई उसमें बैठा था मैं जाके अंदर, अभी किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। मैं गया था अंदर भाई, कल सब चेक कर लिया मैंने, आज से वैसे वीडियो बनाने के लिए आ गया मैं थोड़ी देर। ये कल जो था मैंने बनाई थी वो अंदर से इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मैंने अंदर से भी वीडियो बना के डाली भी इंस्टाग्राम पे अपने। किस एयरफोर्स का जहाज़ है भाई, टर्की का, ये शायद शिप भी नहीं गई है, बैटल शिप। ये भी कुछ है, बस कुछ है ही भाई। मैं किसी दूसरे हॉल में आ गया हूँ, हॉल नंबर 2 या 3 या 4 है ये, लेकिन ये मुझे पता नहीं है किसका हॉल है, पाकिस्तान नेवी लिखा हुआ है वैसे, यहाँ मेरे ख्याल सारे मिक्स हैं भाई। हॉल नंबर 3 चाइना पवेलियन है। ये सारे भाई चाइनीज डिफेंस सिस्टम है, ये ड्रोन भी रखा हुआ है। ये इस तरफ भी है सामान, डिफेंस डिफेंस का सामान है सारा। ये सबमरीन है, ये सारे भाई मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल्स हैं। ये जैमिंग इक्विपमेंट है, जैमिंग भाई। ये वो एयरक्राफ्ट है जो सारे वेपन्स वगैरह जो मतलब कैरी करता है चाइनीज। टर्की का हॉल है भाई, टर्की के 2 हॉल है, एक आगे भी है, एक ये भी है। टर्किश ड्रोन्स और भाई हेली कैरियर्स जेट्स वगैरह हैं। ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह, इसमें गन्स और मिसाइल्स कैरी होते हैं। तरफ गन्स ही गन्स हैं, यहाँ गन्स चेक कर सकते हैं। कल मैं सारी गने आके चेक कर चुका हूँ। टर्की का भाई साइड है, टर्किश पिस्टल्स हैं भाई, ये सब ओरिजिनल वाली है भाई, ये डमी नहीं है, कोई भी डमी नहीं है।
और आगे चलते हैं, चीज दिखाता हूँ। ये कलर अच्छा है। ये टर्की पवेलियन बना गया वो टू था। ये अपने मतलब की ये चीज़ें नहीं है, ये अपने मतलब की चीज़ है वो सामने कैनिक जहाँ लिखा हुआ वहीं पर है। कल भी मैं आधा एक घंटा वहीं खड़ा रहा हूँ भाई दोस्तों के साथ। वहाँ गन्स रखी हुई हैं भाई, टाइट टाइट गन है उधर। क्या नेक्स्ट है भाई? सारी नेक्स्ट है भैया, ये सब इसका रिपोर्ट लिया ना। जो इस तरफ रखी हुई है सारी वो जो है ओरिजिनल गन्स हैं जिसमें बुलेट चलती है। ये सारी डमी ट्रेनिंग वगैरह के लिए है। के अंदर ही लेजर टाइप कुछ लगा हुआ होता है। मशीन गन है ये, इसके ये ट्रिगर है इसका, ये लोडर है इसका। यहीं से ही करके लोड होती है पीछे स्नाइपर। ये MP5 है आई थिंक, ये इसका लोडर होता है। ये वाली बुलेट्स मारती है बॉम्ब टाइप वो मैंने भाई सारी बुलेट्स। इतनी बड़ी बड़ी बुलेट्स हैं यार, ये देखो तो साइज इनका मेरे हाथ से भी बड़ी है। ये तो सारे मिसाइल्स हैं, ये सारी बुलेट्स। ये इंसान के अंदर घुसे तो भाई चीर फाड़ कर दें सब कुछ। टैंक के रिम्स हैं भाई, टैंक और बड़ी बड़ी जो इनकी वो होती है ना गाड़ियाँ, ये उनके रिम्स हैं। मेडिसिन किसी में नहीं डला होता भाई, ये असली गन है ये वाली, तो मेडिसिन में चीज नहीं डला होता। छोटी सी गन है भाई, छोटी है बहुत।
रेटा। हाउ मच? हाउ मच प्राइस? ये गोल्ड की है, ये भी गोल्ड की है। बाहर निकल गए भाई, सब यार घर निकलेंगे भाई, घर पर ही खैर थोड़ा सा और चक्कर लगाएंगे, पर कुछ खाना वाना खाएंगे, नाश्ता भी नहीं किया हुआ भाई, भूख लग रही है। बहुत सारे वो बाकी हैं अभी हॉल्स, क्योंकि मैं सब जगह नहीं जा रहा यार। ये डमी गंज है भाई सारी। ये मशीन गन है भाई, एमओ, इसकी एमओ चेक करो। ये सब खाली कर दिया, हटा दिया यार। और कल तो जो पब्लिक डे है उसमें तो ये करने भी शायद नहीं होंगे भाई। अभी खाना वाना भी खा लिया मैंने यार, रश बहुत था बाहर खाने वाली, तीन चार जगहें बनी, मतलब हर उसमें ही बनी है, हर हॉल में खाने की जगहें भी बनी हुई। पाकिस्तान आर्मी का सामान ही सारा, ये ड्रोन है, ये भी कुछ है, ये हम देख भी सकते हैं अंदर से, मैं देखता हूँ। नाइट विजन टाइप है ये बिल्कुल, इधर भी मिसाइल्स वगैरह रखे हैं, जो ड्रोन है अपना, कंट्रोलर्स वगैरह, और ड्रोन के कंट्रोलर्स, मिसाइल्स के कंट्रोलर्स वगैरह। ये मिसाइल चेक करो भाई, वहाँ से शुरू हो रहा है। ये भी सब ड्रोन आ रहा है, सब रखे हुए। मिलिट्री रेडियो वगैरह सब सिस्टम रखे, रिमोट कंट्रोल वो है टैंक टाइप। ये गन्स असली लगी हुई है इसमें भाई, इसमें भी ये गन्स लगी हुई है असली। ये भी है कोई ना कोई मंजन भाई, ये सारी गने यहाँ से हटा दिए, इसे देखिए 30 बोर रखी हुई है जो घर घर में होती है, समझ लो। वीडियो बन रही है इधर, इसकी सारी बाहर निकालने वाले अंदर रख दी थी अब तक, कल सारी ये मैंने चला के देखी, मतलब लोड वोड करके हाथ में लेकर। ये भाई सिंध पुलिस की है सारी गन्स, इधर रख पड़ा है। ट्रक ट्रक खड़े हैं आर्मी के, भाई हमजा 6x6, बहुत बड़ा ट्रक है भाई, ये देखो तो कितना ऊपर तक है।
था 6x6। दिखा रहे हैं भाई हमजा 6x6 जो बन रहा है। आर्मर ट्रक है अंकल आराम कर रहे हैं अंदर। चले भाई घर निकलेंगे यार, अब बस थक गए भाई। यहाँ पर सारी जो पास वाली गाड़ियाँ उधर खड़ी होती है। ये आईडिया 2022 लिखा हुआ है इधर। पार्किंग भाई बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है भाई। अपनी गाड़ी किधर है भूल गया मैं, गाड़ी कंटेनर के पास लगाई थी आगे, देखते हैं। कल तो मैं बिल्कुल यहाँ लगाई थी आइडियाज के सामने, वो खड़ी वो रही, वो दिख रही होगी मार्केक्स वो और कोने पे। हाँ चलो भाई अब घर निकलेंगे यार, और आवाज़ देख लेना यार, आवाज़ थोड़ी शायद उतना कम आएगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं है अंदर, वैसे इतना शोर हो रहा था। तो सिर्फ वीडियो देखना भाई आप लोग, आवाज़ को छोड़ना, आवाज़ बहुत कम आएगी वैसे, क्योंकि वैसे ही बहुत रश था अंदर और शोर भी बहुत था, तो इसलिए आवाज़ तो वैसे ही नहीं मेरी, मैं सो के भी उठा हुआ था। और आज जो है भाई थर्ड डे था, और कल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। लेकिन उसमें यह है कि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी गन्स वगैरह मिसाइल्स ये सब चीज़ें हटा देते हैं, तो पहला दूसरा दिन ही मेन होता है और तीसरा दिन थोड़ा बहुत। मैं तो कल भी आया था, सब कर निकलेंगे यार। मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।